जागो, एक इंसान अगर और जुड़ता है और पांच इंसान जुड़ते हैं तो ये मुट्ठी बनती है, और मुट्ठी और मुक्ति जो होता है बहुत भारी पड़ता है, अगर किसी के मुंह पे पड़े तो नाक मुंह सब एक हो जाएगा। आप लोग जागिए, आप में बहुत ताकत है। आपको अगर कहा गया है कि आप आतंकवादी हैं, आप देशद्रोही हैं, तो इस आवाज को एक तरफ रखिए और आइए बाहर। और मैं खास तौर पे कहूंगी कि जो अल्पसंख्यक हैं वो प्लीज आइए, हम लोग साथ में काम करेंगे और साथ में हम उठेंगे। इस वक्त हम नहीं आए तो हम कभी नहीं आएंगे साथ में। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ सबीहा खान, और मैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की हूँ और किसान परिवार की हूँ। सरकार कब तक सुनेगी? अगर कान में वो अपने तेजाब नहीं डाली होती तो अभी तक सुन ली होती। वो तो कान में तेजाब डाल के एक जगह पे गड़ गई है। अगर वो कुछ भी थोड़ा भी उनमें एहसास होता तो वो ज़रूर सुनती किसान का। अरे हम रास्ते में ही देखते हैं कोई इंसान करार रहा है या कोई इंसान चिल्ला भी रहा है, ऐसा भी हुआ है। दिल्ली में कई बार देखा है कि कोई इंसान चिल्ला रहा है तो हम लोग थोड़ा सा रुक के उससे पूछते भैया हुआ क्या है। ज़रूरी नहीं है महिला चिल्लाए तो ही हम बोलेंगे, आदमी भी अगर चिल्ला तो हम पूछते हुआ क्या है, वो ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे ये इनको पता नहीं पड़ रहा है कि हम बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, किसान इतनी बड़ी बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, आके पूछ लें। हिम्मत चाहिए है आके इन किसानों को अपनी सूरत दिखाने की। अंग्रेजी में कहा जाता ना फेस देम, अगर इन लोगों की हिम्मत है, केंद्रीय सरकार की अगर हिम्मत है तो आए यहाँ पर और फेस करें इनको। और कट नहीं है इनकी, इल्ज़ाम लगाते हैं ना तब ऐसे उंगली उठाते हैं। हाँ एक उंगली अगर उधर उठती है तो तीन उंगलियाँ आपके खुद की तरफ होती हैं। ये जो लॉ है ना, ये जो नियम है कि एक उंगली आप किसी की तरफ उठाएं तो तीन उंगलियां आपकी तरफ होएंगी, तो ये जिन लोग कह रहे हैं इन्हें खालिस्तानी आतंकवादी, ये देख लें ये क्या है। और यहाँ पे अगर सरकार, केंद्रीय सरकार के आप ख़िलाफ़ एक शब्द बोल दीजिए, उसके बाद तो आप वो इंसान देशद्रोही होएगा, वो आतंकवादी होएगा, वो डेवलपमेंट में बाधा होएगा, सब कुछ होएगा। बिल्कुल, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर किसी कोई भी आदमी चिल्ला रहा होता है तो हम लोग ठहर कर उसको देखते हैं। और किसान आंदोलन में देखिए तो लगभग 400 किसान शहीद भी हो गए, और उन शहीद किसानों के लिए प्रधानमंत्री दो शब्द तक नहीं बोलते, ट्वीट भी नहीं करते हैं, और एक तरफ वो भावुक हो जाते हैं, लोग बोलते हैं कि वो मजाक, उनके भावनात्मक होने पर लोग मजाक उड़ाते हैं, इसकी कैसे देखते हैं? आपने खुद ही पूरा मेरा जवाब दे दिया कि उनके भावुक होने को लोग मजाक उड़ाते हैं। जाहिर बात है जहां भावुक होना चाहिए वहां नहीं हो रहे हैं, जहां भावुक नहीं होना चाहिए, किसी के रिटायरमेंट पे भावुक होने की क्या ज़रूरत है, वो इंसान यहीं का यहीं है, तो इसमें भावुक होने की क्या ज़रूरत है, वो कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। और ये किसान लोग इतने सारे जो शहीद हुए हैं, आज ही नवरीत के दादाजी आए थे, मुझे देख के उनको मतलब मैं भावुक हो रही थी, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं भावुक हो रही थी। और वो इंसान दादाजी खड़े हुए थे और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बहुत चीज़ें समझाई। और मैं आज ये फैसला करती हूँ कि नवरीत की शहादत खाली नहीं जाने देंगे हम। और जो 400 हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके 400 इंसान भी शहीद हुए हैं, CAA में भी कुछ शहीद हुए हैं शाहीन बाग में, हम किसी की भी शहादत को खाली नहीं जाने देंगे। हम में जब तक दम है हम भी यहाँ पे लड़ेंगे। और इन लोगों ने अच्छा गढ़ बनाया हुआ है, जहाँ पे आइए और आप अपना भी योगदान दीजिए। क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है इनकी बात सरकार सुनेगी और जो कानून बनाए गए वो वापस होंगे? अगर इनमें थोड़ी भी इतनी सी भी अकल और शर्म बाकी है तो ज़रूर ये सुनेंगे। बट हाँ, यहाँ पर उनके पास शर्म होगी और थोड़ी भी अकल होगी तब पता नहीं वो बेच खाए हैं उसको भी या क्या किए हैं। और मैंने आपके बारे में सुना कि आप JNU से ताल्लुक रखती हैं। जी हाँ। तो आप तो पॉलिटिक्स के बारे में अच्छी जान रही होगी। ये मोदी और BJP सरकार 7 सालों से देखिए तो अभी इधर राज कर रही है, मोदी जी के कार्यकाल को आप किस कैसे नजर से देखते हैं? काला काल है जी, काला काल है। जो बोलते हैं ना कलयुग आने वाला, हम 7 साल में देख चुके हैं ये कलयुग, जिसमें किसान शहीद हो रहे हैं, बच्चे
बेघर हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, बच्चों की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। अगर लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में भी एक तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चे मेहनत करके अपने नंबर कमाएं। इन्होंने तो उसको भी बेच रखा है, उन्होंने भी उसको अच्छा ठीक है ले लो, वैसे ही मार्क्स ले लो, ये कोई ये आगे वाले फ्यूचर में भविष्य में यही बच्चों के हाथ में आएगा हिंदुस्तान, यही बच्चों के हाथ में आएगी दुनिया। हमारे बच्चे क्या कर लेंगे जहां उन्हें आराम से हर चीज़ मिल रही है। तो लेकिन ऐसे कहा जाता था कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे तो अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले, इस तरह से लगातार मतलब कि बीजेपी के वर्कर लोग उनके बीजेपी के चाहने वाले आवाज़ उठाते थे, तो क्या देश में अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन आए होते तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे होते? हम लोग सब अपने घर में खेती पे होते। मैं पूरे वक्त अपना हॉस्पिटल में बैठ के काम करती, अपना प्रैक्टिस करती, मैं क्यों आती यहाँ पर? बच्चे जो घूम रहे हैं, जो यूथ जो घूम रहा है यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, वो अपना असाइनमेंट्स लिखते होते हैं। अभी तो मई आ गया है, जून, मई जून जुलाई तो एग्ज़ाम के दिन होते हैं, वो अपने एग्ज़ाम में होते हैं। कौन से अच्छे दिन की बात कर रहे हैं? अगर ये अच्छे दिन है तो बुरे दिन कैसे होंगे, इसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये जो अभी कोरोना महामारी देश में चल रहा, लॉकडाउन भी लगा हुआ है, जिसमें देखिए तो पिछले साल भी बेरोज़गारी का आलम उस नहीं था, फिर से बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोग अपने कारोबार को छोड़कर घर पे बैठे हुए हैं, इन सब चीज़ों को किस तरह? देखिए, जो आपने बोला था अच्छे दिन आएंगे मोदी के, मैं थोड़ा सा उसमें से लेके जा रही हूँ। अच्छे दिन आएंगे मोदी के, मोदी के, उसने ये नहीं बोला था जनता के। वहाँ पे देखिए बाइट है वहाँ पर कि वो मोदी के अच्छे दिन, तो उसके अच्छे दिन तो आ ही गए हैं, बाढ़ में जाए पूरा हिंदुस्तान। ये हम यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, तो ये क्या अच्छे दिन है? महंगाई बढ़ी जा रही है और लोगों के पास रहने को घर नहीं हो रहा है, लोगों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, इतने सारे जो लोग हैं उनको निकाल दिया गया ऑफिस से, ये अच्छे दिन है? कहा जाता था कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है और भारत का अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन होने वाला है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जैसा देश, भूटान जैसा देश और सऊदी अरब इस देश को अभी मदद कर रहा है, क्या सच में भारत विश्व गुरु बन पाएगा? अगर मोदी रहेगा तो नहीं बन पाएगा। अगर हमारे किसान जैसे लोग, हमारे जो आम जनता के हाथ में अगर सत्ता आ गई तो जाहिर बात है कोई शक के बिना मैं कह सकती हूँ बेशक सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये देश बनेगा। बिल्कुल बनेगा, नेक्स्ट मिनट में बनेगा, पर बात यह है कि जनता के पास सत्ता आनी चाहिए। जहाँ पे ये जो जितने सरकारी में बैठे हैं, ख़ास तौर पे जो केंद्रीय सरकार में बैठे हैं, उन लोगों को भय रहेगा कि अगर हमने कुछ आड़ा टेढ़ा किए तो यहाँ से ये हमारी रस्सी खींचेंगे, हमको बोलेंगे यहाँ तो जो बोला वो आतंकवादी है जी, जो बोला वो देशद्रोही है। ऐसे में कभी कोई देश ऊंचा उठ सकता है? आप जिस तरह से बोल रही हैं, इससे अगर किसानों के हाथों में अगर देश आ गया तो विश्व गुरु बनेगा, इसी लॉजिक के इसी तर्क को देते हुए बीजेपी के लोग भी पहले कहते थे 2014 से पहले, अगर बीजेपी की सरकार आ गई भारत में तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। देखिए, मैंने किसान का नाम लिया क्योंकि मैं किसान आंदोलन में बैठी हुई हूँ। मैं उसके बाद मैंने कहा था आम जनता के हाथ में, तो आम जनता ज़्यादा ज़रूरी है और किसान भी क्या है, आम जनता में से ही है। वो अगर खाना ना उगाए तो हम क्या नोट खाएंगे? नोट लेके हम फिरते रहेंगे, हमें खाना नहीं मिलेगा। तो बीजेपी के लोग भी तो आम ही जनता थे, तो भारत के प्रधानमंत्री जो मोदी जी बने हैं वो भी एक दिन आम जनता थे, तो उनके भी हाथ में भारत गया, तो भारत तो नहीं बना। अब ये यहीं पे तो एक कैच है, यहाँ पे ये कैच है कि हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हमने बचपन से संघर्ष किया है। अगर मैंने JNU में एडमिशन लिया है तो वहाँ का मैंने एंट्रेंस एग्जाम पास किया, संघर्ष था, मुझे लास्ट मिनट तक नहीं मालूम था मेरा होएगा या नहीं। हम लोग यहाँ पे संघर्ष करने वाले हैं। मोदी जी ने बहुत आराम की ज़िंदगी जी है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैंने मेहनत करते हैं देश के विकास के लिए, नहीं वो अपने विकास के लिए 18 घंटे नहीं 24 घंटे वो मेहनत करते हैं कि वो किस तरह अंबानी और अडानी को वो आगे बढ़ाएं और वो अपनी रोटी सेकें और आराम से रहें, वो उसके लिए विकास कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था विकास तो उनका हो रहा है। लेकिन
लेकिन वो अंबानी उठाने के लिए क्यों सोचेंगे, क्यों उनका विकास करेंगे, वो तो देश का प्रधानमंत्री थे, देश की जनता का विकास करेंगे। हाँ, ये बात उनको समझनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, ये बात तो उन्हें समझनी चाहिए कि जनता ने आपको बिठाया है इतनी खास जगह पर, तो आपको समझना चाहिए कि आप अडानी और अंबानी को छोड़ के जनता के लिए करें। पर उनके पास इतना ज़्यादा जहर भर गया है उनके अंदर कि वो उसे आगे सोच ही नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये तो कीड़े मकोड़े हैं, इनको एक तरफ रखो, क्योंकि वो लोग पैसा देते हैं, इनको पैसा देते हैं और ये इनका सब काम चलता रहता है। देश की जनता से और खास करके महिलाओं से क्या कहना चाहते हैं? देश की जनता को कहूँगी कि जनता जागो, जागो। एक इंसान अगर और जुड़ता है और पांच इंसान जुड़ते हैं तो ये मुट्ठी बनती है, और मुट्ठी और मुक्का जो होता है बहुत भारी पड़ता है, अगर किसी के मुंह पे पड़े तो नाक मुंह सब एक हो जाएगा। आप लोग जागिए, आप में बहुत ताकत है। आपको अगर कहा गया है कि आप आतंकवादी हैं, आप देशद्रोही हैं, तो इस आवाज़ को एक तरफ रखिए और आइए बाहर। और मैं ख़ास तौर पर कहूँगी कि जो अल्पसंख्यक हैं वो प्लीज़ आइए, हम लोग साथ में काम करेंगे और साथ में हम उठेंगे। इस वक्त हम नहीं आए तो हम कभी नहीं आएंगे साथ में। ये महिलाएं ने तो साथ दिया है, यहाँ जितने पुरुष खड़े हैं आराम से संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी महिलाएं घर में पूरा संभाल रही हैं, बच्चे हों, इनके बुज़ुर्ग हों, सबको संभाल रही हैं, घर संभाल रही हैं। अभी तो मैं एक जनाब से मिली थी, वो कह रहे थे कि वो खेती संभाल रही हैं, क्योंकि दो बेटे हैं, दोनों बेटों की शादी हो गई है, एक शायद नौकरी कर रहे हैं, एक कहीं और पे काम कर रहे हैं, तो वो घर में पूरा वो खेती संभाल रही हैं और वो इंसान यहाँ पे आराम से संघर्ष कर रहे हैं। तो महिलाओं से मैं ये कहूँगी कि जारी रखिए, आपके साथ के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, ये संघर्ष कुछ भी नहीं है। आप अगर साथ देंगे पीछे में तो यहाँ पे आपके पुरुष जो हैं खूब अच्छे से संघर्ष करेंगे और हमारी जीत कायम है।